थैंक यू सो मच नेहा जी. मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि डायनेमिक स्टार सीजन 5 में जितने भी आज हमारे स्पेशल गेस्ट, जितनी भी ऑडियंस पार्टिसिपेंट्स हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाएं. तालियां जोरदार. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बहुत ही जल्दी आपके बीच में हमारी गणेश वर्मा, आज की गेस्ट आइटम फ्रॉम ऑस्पिशियस डांस एकेडमी. आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक्स माय हस्बैंड, ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस इवेंट, एमडी नितिन सनोद्रा, एंड थैंक यू सो मच गाइस. बहुत सारे तालियों का क्लोज फॉर ऑल. इस तरह से छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों ने बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दी है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं ऑनेस्टली आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक लंबे अरसे तक जम्मू में था नहीं, मैं विदेश में रहा, 4 साल के बाद लौटा हूँ, और मेरे लिए इससे बड़ा सरप्राइज़ मैं नहीं समझता कोई और हो सकता है. जिस तरह से मैं छोटे छोटे बच्चों को परफॉर्म करते हुए अभी मैंने मंच पर देखा, बहुत टैलेंट है. मैं अक्सर हर मंच पे, देश में, विदेश में, हर जगह जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, मैं बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ और बड़े दावे के साथ दुनिया को बताता हूँ कि जो टैलेंट जम्मू में है वो कहीं नहीं हो सकता. आपके सामने है, मैं अगर मान लो ये भी बोलूँ कि साहब कुछ नहीं है, तो ये बिल्कुल मुझे लगता है कि मतलब मैं मेरी शब्दों में कोई ताकत नहीं रहेगी. ये बहुत अच्छा लगता है, और इस तरह जैसे ऑस्पिशियस डांस एकेडमी ने बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया है, आज बच्चों को प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है. रियलिटी शोज़ जो हमारे यहाँ पूरे दुनिया में छाए हुए हैं, उनका एक बहुत बड़ा लार्जर इम्पैक्ट हर कोने पे, भारत के हर कोने पे पहुँचा है, वो आप जम्मू में भी देख सकते हैं. और सबसे बड़ी बात है बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना, और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो बच्चों को प्लेटफॉर्म मिला है, कॉम्पिटिटिवनेस आया है, बहुत कंपटीशन के साथ, बहुत जज्बे के साथ बच्चे मंच पर परफॉर्म कर रहे हैं. मुझे लगता है इसका एक लार्जर इम्पैक्ट होगा आने वाले समय में, और इस तरह के कॉम्पिटिशन्स. और आप देखिए, जैसे गर्मियां जम्मू में होती हैं तो चीज़ें बिल्कुल आप देखते हैं ख़त्म सी हो जाती हैं, बिल्कुल थम सी जाती हैं, लेकिन आज देखेंगे आप जिस तरह से ये हो रहा है, और कंटिन्यूसली अब बच्चों को छुट्टियाँ होने वाली हैं. ये मैं पूरे आपके माध्यम से सबसे अपील करना चाहता हूँ कि आप अगर कुछ बच्चों को दे सकते हैं तो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें, ना सिर्फ उनको परफॉर्मेंस का बल्कि उनको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी. थैंक्स साहब जी.